खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने विशालतम व्यक्तित्व के धनी जयप्रकाश नारायण जी के विषय में, और इस पर हम विस्तार लेंगे। उसके मेहमान बैठे हुए हैं, तो आइए सीधे मेहमान के पास चलते हैं और शुरू करते हैं वार्ता। जेपी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व कितना विशाल था? जेपी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। खास करके जो बिहार के लोग हैं वो लोग के दिलों में बसते हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे बड़े क्रांतिकारी हुए भारतवर्ष के अंदर वो जयप्रकाश नारायण थे। और उनका व्यक्तित्व तो इतना निर्विवाद था, उनकी भलमन साहत पे कभी प्रश्न नहीं उठाया गया। उन्होंने सामाजिक के साथ साथ, राजनीतिक के साथ साथ अन्य सारे पहलुओं पे विचार, अपने विचार रखे और उस विचार को लेके आगे बढ़े, लोगों तक पहुंचाया, और उस पथ पे लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। उनकी लोकप्रियता के बराबर कोई भी ठहरता नहीं है, उनकी इतनी अधिक लोकप्रियता थी जयप्रकाश नारायण की। मैं आज उनके एक सिद्धांत की चर्चा करना चाहता हूं। लोगों ने उनके जो कार्य, उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनको पहचान दी है, उनको माना है, उनको सर आंखों पर बिठाया है। पर आज मेरा ये मानना है, मेरा मंतव्य है, क्योंकि सिद्धांत की चर्चा मैं करना चाहता हूं। मैं उस सिद्धांत की चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है। क्यों? क्योंकि जेपी ने जैसा सपना भारतवर्ष का देखा था, हमारे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि वैसा सपना उनके अनुसार ये भारत आगे नहीं बढ़ा है। लोगों की जो अपेक्षाएं थी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत पर चल के ये हम हासिल करेंगे, वो हासिल नहीं हो पाया है। तो क्यों नहीं हासिल हो पाया है? तो उनके सिद्धांत क्या थे? आज के युवा लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तेजस्वी हैं, मानसिकता उनकी, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। वो उनके सामने यदि ये बात रखी जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे से इस बात को समझेंगे। पर उनका सिद्धांत क्या है ये तो लोगों को पता होना चाहिए। आज लोग सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेट पे लोग देख रहे हैं, लोगों की जीवनी पढ़ रहे हैं। पर यदि उनके इस सिद्धांत को प्रसारित किया जाए तो लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो 100 में से 10 ऐसे जरूर व्यक्ति होंगे जो उनके सिद्धांत के प्रति आकृष्ट होंगे और भविष्य में अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करेंगे, और उतारने में बहुत लोग सफल भी होंगे। तो उनका सिद्धांत क्या था? उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति का, पर संपूर्ण क्रांति नहीं हो पाया। तो संपूर्ण क्रांति में कितने आयाम थे और कितना अचीव किया गया, कितना हासिल किया गया? संपूर्ण क्रांति के बारे में उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम हैं। पहला आयाम उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। इन 7 आयाम में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी, राजनीतिक आयाम की। राजनीतिक आयाम की चर्चा हुई और कालांतर में अन्य आयाम से लोगों का ध्यान हट गया। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि अन्य आयामों के तरफ भी लोगों का ध्यान, खासकर आज के युवाओं का ध्यान जाए। युवा ये सोचे कि उस जमाने के युवा, उनमें ऐसी क्या बात थी जो उनके पीछे चल पड़े थे।
तो आज के युवा के लिए भी वो अप्रासंगिक नहीं है, अत्यंत ही प्रासंगिक और तार्किक है। आयाम है सामाजिक, आर्थिक, अंत में उन्होंने कहा था आध्यात्मिक आयाम की। और उन्होंने यह भी कहा था कि आध्यात्मिक क्रांति के बिना अन्य सारी क्रांतियां का कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक आयाम को समझे बिना अन्य आयाम फीके पड़ जाएंगे। मैं इसी आध्यात्मिक आयाम को हाईलाइट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक आयाम क्या होना चाहिए अपने समाज के लिए, आज के युवाओं के लिए, आज की युवतियों के लिए, क्यों सा आध्यात्मिक आयाम होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आध्यात्मिक आयाम क्या है। जैसे अन्य आयामों में एक पहले कहता हूं राजनीतिक आयाम की। राजनीतिक की बहुत चर्चा हुई, उनके बहुत सारे फॉलोअर हुए। राजनीति की इतनी ज्यादा चर्चा हुई, इतनी ज्यादा चर्चा हुई, क्या राजनीति राजनीति समाज में सिर्फ राजनीति रह गया। और किसी भी आयाम की बहुत ज्यादा चर्चा, ये कहते हैं कि एकदम घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ राजनीति की सिर्फ चर्चा करने से, अन्य आयामों को नहीं समझने से। और क्या हुआ, राजनीति और हिंसा दोनों साथ साथ चलने लग गए। फिर क्या हुआ, हिंसा ऊपर आ गया और राजनीति नीचे हुआ।